नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। और सुबह की नई खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों की पेशकश की है। तो अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, अमरोहा, बागपत सीटों की पेशकश की गई है। सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर सीट की पेशकश। फतेहपुर सीकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी की सीटें भी इसमें शामिल हैं। वही कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज और महाराजगंज सीटों की भी पेशकश की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों की पेशकश की है और इनमें अमेठी, रायबरेली जैसी सीटें शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल चल रही है, और ऐसे में अखिलेश यादव ने कल ही यह अल्टीमेटम दिया था कि अगर सीटों को लेकर कुछ बात तय नहीं होती है तो ऐसे में वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और इसी बीच ये खबर सामने आती है जिसमें ये पेशकश की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को लेकर की गई है। 17 सीटों को लेकर बात की जा रही है, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, अमरोहा, बागपत। इसी बीच अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता अविनाश। देखिए, कल तक यहां पर ये बात सामने थी कि सीटों को लेकर अभी कुछ तय नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले बात आई थी 11 सीटों की, लेकिन अब 17 सीटों की पेशकश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए सीट बंटवारे को लेकर हालांकि आम सहमति बनती दिख नहीं रही है सपा कांग्रेस के बीच में, लेकिन अब कहीं ना कहीं सपा बैठक पर नजर आ रही है। पहले 11 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि 17 सीटें देने के लिए सपा तैयार है। और देखिए, जिन सीटों को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जिस पर सपा चाहती है कि कांग्रेस उम्मीदवार खड़े हों, उसमें वो सीटें हैं जो कांग्रेस के लिहाज से पहले काफी मुफीद मानी जाती थी। जैसे अगर हम रायबरेली अमेठी की बात करें, तो चूंकि ये दोनों सीटें हमेशा से कांग्रेस सरकार मानी जाती रही हैं। इसके अलावा बनारस में बात करें तो बनारस कांग्रेस के सांसद चुनाव जीते हैं, और बात की जाए तो भाजपा लहर में चुनाव जीते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो सहारनपुर, चूंकि सहारनपुर का समीकरण इसलिए है क्योंकि वहां के जो इमरान मसूद हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और इमरान मसूद वहां के मजबूत नेता माने जाते हैं। तो ऐसी दूसरी हम गाजियाबाद की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, कैसरगंज, सीतापुर, महाराजगंज, तो इन सीटों के लिए एक सीट और है कानपुर। कानपुर से भी सुब्रता जायसवाल कई बार के सांसद रह चुके हैं। तो ये वो सीटें हैं जिन सीटों को लेकर सपा ने पेशकश की है। हालांकि अब देखिए इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है, लेकिन माना जा रहा है कि संभवतः अब सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी और एक सहमति के आसार भी नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब दोनों दलों के बीच में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी सीटों की सहमति को लेकर। तो अलीगढ़